एसएफटी इंडिया में आप लोग को स्वागत है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का रणनीति तैयार करते हैं कल का मार्केट यानी 14 जुलाई ट्यूसडे के लिए। कौन सा टेक्निकल उलझन के साथ ये निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हमारा आज का जो लाइव मार्केट था, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और पे टेलीग्राम चैनल में कौन सा लेवल के साथ हम लोग काम किए हैं, और हमारा जो प्रीवियस जो प्रेडिक्शन था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज मंडे मार्केट में कैसा ट्रेड होगा उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ले चलता हूं मेरा स्क्रीन के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हैं मेरा आज का जो ट्रेड था कोलपाल था। आप ये लेवल में मैं कोलपाल को बाय कराया था, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में ऑल्सो था। तो एक कोलपाल एक टेक्निकल अच्छा टेक्निकल उलझन के साथ एक अच्छा सा मोमेंट आपको कोलपाल इतना तक का दिया था। और अमर राजा बैटरी ऑल्सो था, एनआईटेक में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। तो दोस्त, अगर कोई मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा लिंक दिया गया है, आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग को एक अच्छा सा मुनाफा के साथ हमारा साथ में ट्रेड करिए। आओ मिलके पैसा कमाएं, तो हम लोग मिलके सब पैसा कमाएंगे। और मेरा कल कौन सा प्रेडिक्शन था जो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एक अच्छा मुनाफा दिया उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। आज मैं आप लोग को बैंक निफ्टी के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे देखिए डायग्राम में बनाया था, मैं आप लोग को बताया था 22,675 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है ये ग्रीन कलर कैंडल बना के तो आपको बाय करना है। अगर वो 22,675 के नीचे आधा घंटा रुक जाता है तो आपको सेलिंग में बैठना है। ये टारगेट था 22,250। तो यहाँ पे दोस्त देखिए बैंक निफ्टी का अच्छा मोमेंट दिया, अच्छा मोमेंट के साथ बैंक निफ्टी क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड आया था। यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बैंक निफ्टी का अच्छा ट्रेड आया था। यहाँ पे जो बंदा सेल किए होंगे बैंक निफ्टी में तो ये पूरा 600 पॉइंट का मुनाफा उसको बैंक निफ्टी में मिला था। अगर ये स्क्रीन जो डायग्राम बनाया था ये ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो का डायग्राम था, अभी तक इंटैक्ट है। जो भी लेबुल दिया था, देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे काम हुआ है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था प्लीज एक बार मेरा यूट्यूब चैनल एसएफटी इंडिया जाके देख लीजिए। कल यानी 13 जुलाई के लिए मैं कौन सा लेबल दिया था उसके ऊपर कैसे काम हुआ, तो आप ये सब देख के तो तसल्ली आपको मिलेगा कि चलो मैं जो लेबुल दिया हूँ वो लेबुल में अंदर काम हो रहा है। अगर मैं निफ्टी को ले चलता हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी में देखिए ये जो दिया था 10,850 का जो लेबुल था, और निफ्टी आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका नीचे क्रॉस होने के बाद देखिए यहाँ पे बोला था अगर इसका नीचे क्रॉस होता है तो आपको यहाँ से सेल करना है, थोड़ा बहुत आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये निफ्टी बैंक में जो भी बंदे ट्रेड किए होंगे वो लोग अच्छा मुनाफा कमाए होंगे। मैं आप लोग को ले चलता हूँ कल का मार्केट यानी 14 जुलाई ट्यूसडे कौन सा लेवल में काम होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का मार्केट यानी 14 जुलाई ट्यूसडे के लिए कौन सा लेवल में काम होगा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं दो लेवल निफ्टी में निकाला हूँ। तो निफ्टी ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इट इज ऑरिजिन ऑफ मूव, ऑरिजिन ऑफ मूव यहीं से कैंडल में फलिंग शुरू हुआ है। तो मैं इसको ले बेस करके दो कैंडल दो लेबल निकाला हूँ, एक 10,880 और एक 10,850। ये जो दो लेबल आप देख रहे हो कल आप ट्रेड कैसे करोगे, सिंपल चीज है फ्रेंड्स। ग्लोबल मार्केट देख लो, मेरा उम्मीद है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहेगा। डाओ फ्यूचर्स और एचजीएक्स निफ्टी सुबह पॉजिटिव होता है तो हमारा मार्केट थोड़ा गैप अप होगा। अगर हमारा मार्केट गैप अप होकर इसी जोन के अंदर चला जाएगा 10,880 और 10,850 के बीच में एक बार चला जाता है तो दो सिनेरियो बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आधा घंटा रुकने के बाद इसके नीचे आ जाएगा तो एक रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन करेगा, यानी 10,850 के नीचे अगर मार्केट आके रुक जाता है आधा घंटा तो आप यहाँ से सेल करिए। नीचे यहाँ तक 100 से 150 पॉइंट आपको यहाँ से टारगेट मिल जाएगा। कितना तक टारगेट मिल जाएगा, जो लो है आपके लिए 10,750, यहाँ तक आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। तो कैसे आप ट्रेड करना है, मार्केट अगर कल गैप अप होता है डिपेंड अपन ग्लोबल मार्केट गैप अप होने के बाद तो 10,850 के नीचे क्लोज होता तो आप सेल करिए, तो मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा।
अगर मार्केट गैप अप हो के ऊपर की तरफ यानी 10,880 के ऊपर एक ग्रीन कलर कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला जाता है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से बाय में बैठ सकते हो, मगर थोड़ा कॉन्शियस होके बैठना है। ऊपर में 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेके आप निकल सकते हो, यानी 11,000 तक आप देख सकते हो। मगर मेरे को उम्मीद है मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप होने के बाद, आज जैसे डाउनफॉल हुआ गैप अप होने के बाद, ऐसे डाउन होने का चांसेस है तो 10,850 के नीचे आपको सेल करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर 10,880 के ऊपर बाय करने से थोड़ा कंजर्वेटिव भी होने होकर ट्रेड करो, स्टॉप लॉस टाइट में रखो, 11,000 तक जा सकते हो, मगर नीचे गिरने का उम्मीद 10,850 से ज़्यादा गुंजाइश है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको एक ट्रेड मिलता है सेल करने के लिए यानी बाय करने के लिए, ये 10,750 यहाँ पे आप सेल दोनों तरफ कर सकते हो। अगर मार्केट यू कर्व बनाता है, आपको पता होगा यू कर्व हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसे बनाता है, तो फिर आप यहाँ से एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ से बाय करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन होगी, इसको एक रेड कलर कैंडल के साथ गिरा देता है तो यहाँ से आप 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकते हो। सिंपल दोस्त, मैं आप लोगों को जो लेवल बताया, अगर एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देख दो तो समझ में आ जाएगा। अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी के अच्छा लेवल के अंदर काम हो रहा है, सिंपल है दोस्त, आपको बैंक निफ्टी को क्या करना है, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे है, दो लेवल आपको 22,380 और 22,170, ये दोनों लेवल नोट करिए, 22,380 और 22,170, ये जो दो लेवल है एक वाइटल लेवल है। मार्केट कल गैप अप होगा, गैप अप अगर होता है मार्केट, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ये सब रहेगा तो गैप अप होगा। तो सिंपल चीज है, मार्केट यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गैप अप होगा इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ऐसा एक रेड कलर कैंडल बनाता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए नीचे 200 पॉइंट का टारगेट के लिए। यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो 22,380 के नीचे मार्केट आधा घंटा क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ से सेल करिए, 22,175 आपको टारगेट है, यानी 200 पॉइंट आपको टारगेट मिलेगा। ये भी हो सकता है मार्केट अगर गैप अप होता है तो, मैं आपको बता दिया, अगर मार्केट फ्लैट होता है तो इंतजार करिए, एक छोटा सा ग्रीन कलर कैंडल यहां पे फॉर्मेशन होगा तो आप एक बार यहां से बाय करके एक छोटा टारगेट के लिए यहां इतना तक भी जा सकते हैं। क्लियर, ये जो सिनेरियो होगा सुबह होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है 22,170 के ऊपर आप बाय करिए, 22,380 आपका टारगेट है, वहां से फिर मार्केट जाके रिवर्स होगा। ऐसा भी हो सकता है मार्केट डायरेक्ट गैप अप होकर रिवर्स हो सकता है 22,380, यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टुमोरो मार्केट, सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टुमोरो मार्केट, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर आप लोग यहाँ से ये आज का जो लो मारा है लो के नीचे भी आप सेल में जा सकते। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं लेबल आप लोगों को बता दिया, एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लीजिए दोस्त। दोस्त आप लोग आज बैंक निफ्टी में मेरा उम्मीद है आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे, मगर ये जो आप लोग मैं लेबल इतना मेहनत करके आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बिना मेहनत में आपको लेबल निकाल के दे रहा हूँ, कुछ मेहनत तो पड़ता है। तो जो लेबल आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है तो इतना तो आप लोग का होना चाहिए कि चलो कोई आदमी बंदा हमारे लिए इतना मेहनत करके लेबल दे रहा है, हम लोग उसका फायदा भरपूर उठा रहा है, तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में क्या अच्छा गुड लिख के भेजने में क्या प्रॉब्लम है? तो अदरवाइज अगर गुड लिखने में आप लोग को खराब लग रहा है तो ठीक है, बैड लिख के भेज दो, अच्छा लगेगा मेरे को कि चलो मेरे यूट्यूब में कोई भी है जो यहाँ पे कि मेरा जो लेबल में काम कर रहा है, गुड बैड जो भी है मेरे को दे रहे हैं। तो दोस्त, जो नए मेंबर्स हो प्लीज आप लोग मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो पुराने बंदे हो प्लीज आप लोग का दोस्त लोग को जुड़ाइए और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मजा लीजिए।